हैं आज की तमाम बड़ी खबरें नॉन स्टॉप न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दो दिन के दौरे पर रूस पहुंच चुके हैं। मॉस्को में विमान के लैंड करने पर प्रधानमंत्री मोदी का शानदार स्वागत किया गया। रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मंटुरोव पीएम मोदी का स्वागत करने के लिए वहां मौजूद थे। इस दौरान पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। रूस में मौजूद हिंदू श्रद्धालु पीएम मोदी के आगमन के दौरान भक्ति में लीन नजर आए। पीएम मोदी करीब 5 साल बाद रूस पहुंचे हैं, जहां वो 22वीं भारत रूस वार्षिक शिखर बैठक में शामिल होंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज मणिपुर पहुंचे। राहुल मणिपुर के चुराचांदपुर में मंडप तुइबोंग रिलीफ कैंप में पहुंचे, जहां उन्होंने हिंसा पीड़ितों से मुलाकात की और उनके साथ दुख बांटा। राहुल गांधी इसके बाद विष्णुपुर के मोइरांग भी पहुंचे। यहां वो स्कूल में बने राहत शिविर में मौजूद पीड़ितों से मिले। राहुल गांधी ने अपने दौरे के दौरान हिंसा प्रभावित इलाकों में कुकी और मैतेई दोनों समुदायों से मुलाकात की। इसके बाद राहुल गांधी ने राज्यपाल से मुलाकात कर मणिपुर के हालात पर चर्चा की। राहुल गांधी ने कहा कि मणिपुर दो हिस्सों में बट गया है। राहुल ने कहा कि मणिपुर में शांति अभी की जरूरत है। Some improvement in the situation, but I was quite disappointed to see that the situation is still nowhere near what it should be. वहीं बीजेपी राहुल गांधी पर मणिपुर की घटना का राजनीतिकरण करने का आरोप लगा रही है। मणिपुर एक संवेदनशील विषय है, वहां पर सबको मिलकर शांति का प्रयास करना है। राहुल गांधी इसका राजनीतिकरण करते हैं। जम्मू के कठुआ में आज फिर एक बार सेना पर आतंकी हमला हुआ। कठुआ के बिलावर इलाके में हुए इस हमले में 4 जवान शहीद हो गए। आतंकियों ने सेना की गाड़ी पर ग्रेनेड से अटैक किया था, जिसमें 2 जवान मौके पर ही शहीद हो गए, जबकि बुरी तरह घायल 2 जवानों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है और हमलावरों के साथ जवानों की मुठभेड़ जारी है। इससे पहले सेना और सुरक्षा बल के जवानों ने आज 6 आतंकियों को ढेर कर दिया। साथ ही इस टेरर ऑपरेशन में हिजबुल के टॉप कमांडर आदिल हुसैन वानी को भी ढेर कर दिया गया, जिसने घाटी में कई आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया था। जहाँ तक इनका जो है इन्वॉल्वमेंट है, जो आदिल, जो मैंने पहले आपको कहा कि एक एक कैटेगरी का जो है वो टेररिस्ट था, ये कुछ काफी जो है वो केस FIR में पुलिस स्टेशन में इन्वॉल्व था। नीट पेपर लीक पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिस दौरान सुप्रीम कोर्ट का पूरे मामले को लेकर सख्त तेवर देखने को मिला। सुप्रीम कोर्ट ने CBI, केंद्र सरकार और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को जवाब दाखिल करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सवाल उठाए हैं, जिनका जवाब NTA और केंद्र सरकार को देना है। सुप्रीम कोर्ट ने उनसे अगले 3 दिनों के भीतर डेटा उपलब्ध कराने को कहा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि दोबारा परीक्षा कराना आसान नहीं है। मामले पर अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी। माननीय सुप्रीम कोर्ट की CJI बेंच और CJI सर भी बहुत ज़्यादा सीरियसली इस मैटर को ले रहे हैं, बिकॉज उन्होंने ये भी बोला कि ये बोलने की जरूरत भी नहीं है कि सबसे प्रेस्टीज वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टीजियस एग्जाम है भारत का, नीट का एग्जाम, और इसके अंदर किसी भी तरह की इरेगुलरिटी हो रही है तो दिक्कत है। मुंबई में भारी बारिश के बाद स्थिति भयावह हो गई है। हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। हालात ये हो गए हैं कि मुंबई में लोगों को बचाने के लिए नेवी और आर्मी की भी मदद ली जा सकती है। वहीं पर्यटकों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है कि समुद्र तट से दूर रहें। बारिश की वजह से सड़कों और गलियों में पानी भर गया है। रिहायशी इलाकों में भी पानी भर चुका है। मुंबई के वकोला इलाके में तो हालात और भी खराब दिखे। यहां सड़क पर पानी भर जाने की वजह से गाड़ियां रेंगती दिखी और जिनकी गाड़ियां बंद हुई वो अपनी बाइक को पैदल खींचते नजर आए। देवभूमि उत्तराखंड में भी आसमानी आफत का कहर जारी है। कटीमा में बारिश अपने साथ सब कुछ बहाकर ले जाने पर आमादा दिखी। वहीं ऊधम सिंह नगर में SDRF की टीम ने 45 लोगों को रेस्क्यू किया, जो पानी में फंस गए थे। बांग्लादेश में बारिश कहर बनकर बरसी है। बारिश की वजह से कई नदियों का जलस्तर काफी बढ़ गया है और बांध टूटने की वजह से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। आलम यह है कि हर तरफ सैलाब ही नजर आता है। बाढ़ से करीब 20 लाख लोगों पर असर पड़ा है। बाढ़ की वजह से स्कूल बंद कर दिए गए हैं। गाँव में भी बाढ़ के कारण हालात लगातार खराब हो रहे हैं। लोगों के घरों में पानी भर चुका है। हजारों लोग बेघर हो चुके हैं, जो कि राहत शिविरों में रहने के लिए मजबूर हैं।
इस बीच मौसम विभाग की चेतावनी ने लोगों के दिलों में खौफ पैदा कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 से 6 दिन तक भारी बारिश हो सकती है, जिसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी और भी रौद्र रूप अख्तियार कर सकती है। फ्रांस में समय से पहले चुनाव कराने का फैसला राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को भारी पड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि चुनाव में मैक्रों की पार्टी पिछड़ गई और वामपंथी गठबंधन सबसे ज्यादा सीट जीतने में कामयाब रहा। वामपंथी गठबंधन की ज्यादा सीटें आने के बाद से फ्रांस में हिंसा शुरू हो गई है और हालात पूरी तरह से बेकाबू नजर आ रहे हैं। चुनावी नतीजे आने के बाद से कई शहरों में प्रदर्शनकारी सड़कों पर हैं। हालांकि हालात पर काबू पाने के लिए फ्रांस में 30,000 दंगा विरोधी पुलिस तैनात की गई है, लेकिन हिंसा पर काबू पाने में पुलिस की तमाम कोशिशें नाकाम दिखाई दे रही हैं। दरअसल फ्रांस के आम चुनाव में वामपंथी न्यू पॉपुलर फ्रंट को सबसे ज्यादा 182 सीट मिली है। वहीं मौजूदा राष्ट्रपति मैक्रों की रेनेसा पार्टी के गठबंधन को 168 सीटें मिली हैं, जबकि राइट विंग नेशनल रैली गठबंधन को सिर्फ 143 सीटें ही मिली हैं। हालांकि 577 सीटों वाले नेशनल असेंबली में बहुमत के लिए जरूरी 289 सीटों के करीब कोई नहीं पहुँच पाया है। वामपंथी गठबंधन की जीत के बाद मुस्लिम समर्थक जीत की खुशी मना रहे थे, लेकिन देखते ही देखते जश्न हिंसा में तब्दील हो गया। रूस ने यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर ये मिसाइल अटैक किया गया, जिसमें अब तक 20 लोगों की मौत हुई है और 50 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। यह हमला रिहायशी इलाके पर हुआ। इस हमले पर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने तीखी प्रतिक्रिया दी। जेलेंस्की ने साफ किया है कि यूक्रेन के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है। जेलेंस्की ने आरोप लगाया है कि रूस के इस हमले में बच्चों के अस्पताल पर मिसाइल गिरी है। जेलेंस्की ने मिसाइल अटैक के बाद अस्पताल का क्या हुआ, इसका भी एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया।